सुजैन साथियों, मैं इतने सार चाम तुम लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस, आज हम लोग बात करेंगे कि जो कॉपी कंटेंट है ये भला क्यों रैंक करता है। कि तुम्हें से बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया था इस रिलेटेड कि सर जो कॉपी कंटेंट है वो भला रैंक क्यों करता है। अब देखो, पंगा ये है कि जब भी कोई पूछता है मुझे व्हाट्सएप में कि सर मेरा कंटेंट रैंक नहीं कर रहा है, मुझे ट्रैफिक नहीं आ रहा, तो मैं पता क्या गलत बोलता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ डायरेक्ट चीज़ कीबोर्ड से सही से करो और यूनिक कॉन्टेंट लिखो, खुद का कॉन्टेंट। तो उन लोग का फिर दूसरा आंसर आता है, फिर क्वेश्चन नहीं करते, दूसरा आंसर आता है, आंसर ये आता है कि अरे लेकिन और लोग तो रैंक कर रहा है। मतलब ये थोड़ा सा आंसर क्वेश्चन दोनों सेम ही वर्ड में है कि किसी और को तो रैंक कर रहा है तो फिर मेरा क्यों नहीं कर सकता। मतलब आप बोल रहे हो यूनिक लिखो, यूनिक कंटेंट बनाओ कीबोर्ड सर्च करने के बाद, लेकिन और भी लोगों को देखता हूँ जो कि यार वो, या फिर मेरा कोई फ्रेंड है या मैं किसी जानता हूँ जो उतना लिखता नहीं है तब भी उसका रैंक करता है। ठीक, तो ये क्या पंगा है, कॉपी कंटेंट कैसे रैंक करता है, वीडियो को पूरा देखो, जो भी डाउट से क्लियर हो जाएगा। और कैसे तुम लोग अपने कॉपी कंटेंट को रैंक करवा सकते हो ये भी हम लोग बात करेंगे पूरा डिटेल्स में यार। और किसी का कॉपी करना होगा तो कैसे कॉपी करोगे वो भी देख लेंगे। ठीक, वीडियो को पूरा देखो। तो यार पहले ही मैं तुम लोग को बोल देना चाहूँगा कि कॉपी कंटेंट भी रैंक करता है। ठीक, कॉपी कंटेंट भी रैंक करता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कैसा वो कंटेंट कॉपी किया है, कैसे कॉपी किया है, वो एक फैक्टर होता है। देखो, गूगल के दृष्टि में एक पूरा क्लियर है, गूगल के पास कोई एक कंटेंट है जो पहले से इंडेक्स हो गया है और तुम सेम कंटेंट कॉपी करके अपने वेबसाइट पर डाल दोगे और फिर उसको रिक्वेस्ट करोगे इंडेक्स करने के लिए, हो सकता है कि गूगल इंडेक्स कर ले। कई बार तो इंडेक्स करता भी नहीं है क्योंकि सेम चीज़ तो है, इंडेक्स क्यों करेगा। मान लो कि तुम्हारा डोमेन अथॉरिटी अच्छा है, स्ट्रांग साइट है, तो वो कर ले इंडेक्स, लेकिन तब भी वो शो नहीं करेगा। रीज़न क्या है कि जो तुम इंडेक्स करवाए हो गूगल के पास पहले से ही है और उसमें वो साइट जो है पहले से ही रैंक कर रहा है। ठीक, ये पंगा है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, लेकिन कीवर्ड मान लो अलग अलग है। मान लो कि ए साइट है जो रैंक कर रहा है बेस्ट फूड्स के अंदर एक कंटेंट, मैं उसको कॉपी कर लिया अपने वेबसाइट में डाल दिया और मेरा वेबसाइट का जो कीवर्ड है वो जो मेन फोकस है मेरे वेबसाइट के कीवर्ड का वो कुछ और है, वर्स्ट फूड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, दोनों डिफरेंट कीवर्ड है। इस मामले में क्या होता है कि वो तुम्हारा रैंक कर सकता है। ठीक है, सुनो क्या बोल रहा हूँ, अगर तुम किसी एक वेबसाइट से तुम कॉपी किए जो कि अलग कीवर्ड पर रैंक कर रहा है, ठीक, वही कॉर्नर तुम कॉपी करके थोड़ा सा चेंज कर दोगे, स्पिन कर दोगे आर्टिकल, ठीक है, पूरा सेम रखना सही नहीं होगा मेरे ख्याल से, लेकिन फिर दूसरा तुम किसी और कीवर्ड डाल रहे हो कंटेंट तो वो उसमें रैंक कर जाएगा। ठीक, गूगल क्या करता है कि जो कीवर्ड तुम सर्च मारते हो उस कीवर्ड में देखता है कि कौन कौन सा कंटेंट है, और कोई कंटेंट पहले से रैंक कर रहा है और उसमें जो कंटेंट है वो किसी और कंटेंट में आने वाला है उस कीवर्ड पर, तो उसको वो हटा देता है, उसको वो हटा देता है सर्च इंजन से। एक ये है अगर तुम्हें किसी का कॉपी करना है तो। दूसरा है कि मान लो तुम किसी का कॉपी कर रहे हो, कोई भी साइट है तुम उसका कंटेंट कॉपी कर रहे हो, तो तुम्हें उस पर वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, वैल्यू। अब वैल्यू ऐड करने का कोई लिमिट नहीं है कि इतना ऐड करना पड़ेगा उतना ऐड करना पड़ेगा, किसका कोई फिक्स रूल नहीं है। गूगल बोला नहीं है कि हाँ तुम इतना वैल्यू ऐड करोगे तभी मैं उसको दिखाऊंगा, लेकिन हम लोग एज ए ब्लॉगर जो हम लोग का कम्युनिटी है उसमें क्या करते हैं, हम लोग यार हम लोग रिकमेंड करते हैं या हम लोग खुद फॉलो करते हैं, वो ये फॉलो करते हैं कि जो भी कॉन्टेंट हम लोग कॉपी करते हैं वो 50% से कम रहता है। ठीक है, 50% से कम रहता है, नॉर्मली 40% जो है इनफ है। ठीक, जैसे मान लो कि मैं 100 वर्ड का कॉन्टेंट लिख रहा हूँ तो उसमें से 40 वर्ड मैं कॉपी कर रहा हूँ चलेगा, 60 वर्ड मेरा यूनिक है। ठीक है, अब मैं पूरा कंटेंट कॉपी कर लूँगा फिर थोड़ा बहुत उसमें ऐड करूँगा तो वो कुछ खास नहीं रहेगा। ठीक है ना, हालांकि ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि हाँ इतना तुम्हें कॉपी करना है इतना नहीं करना है, ऐसा रूल नहीं है। ऐसा रूल हम लोग खुद सोच समझ के बना लिए कि हाँ कॉपी करेंगे बहुत मैक्सिमम तो 40% तक कॉपी करेंगे, 60% मेरा खुद का रहेगा। ठीक, ताकि जो है वो कंटेंट क्वालिटी लगे कि हाँ कुछ यूनिक है, मैं खुद फॉलो करता हूँ यार उसमें। मान लो किसी को कॉपी करता हूँ मैं कुछ, जैसे मान लो कि आलसपंती लग रहा है, लिखने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा यार, कीवर्ड अच्छा है टूस बना दिया हूँ, वह कंटेंट मिल नहीं रहा था, किसी सारे कंटेंट कॉपी करूँगा थोड़ा बहुत चेंज कर दूँगा और पब्लिक कर दूँगा यार। ठीक, 40% ज़्यादा नहीं लेता हूँ मैं, ज़्यादा लूँगा तो प्रॉब्लम हो सकता है साइड रैंक ना करे या वो वैल्यू ना मिले, इसीलिए जो है तुम्हें किसी और का कॉपी नहीं करना है डायरेक्ट पूरा 40% इनफ है, 60% खुद का डालो। ठीक है, सेम कीवर्ड पता है तो, अगर दोनों का अलग अलग कीवर्ड है, उसका कीवर्ड अलग है तुम्हारा कीवर्ड अलग है तो प्रॉब्लम नहीं है, तुम उसे कॉपी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गूगल के दृष्टि में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम अगर उसे कॉपी कर रहे हो अगर उसका कीवर्ड अलग है तुम्हारा कीवर्ड अलग है, प्रॉब्लम कब आता है कि जब दोनों का कीवर्ड सेम है। ठीक है,
दोनों कीवर्ड सेम है, दोनों कंटेंट तुम सेम ही रखे हो तो प्रॉब्लम आएगा। गूगल जो जो फर्स्ट में जो इंडेक्स हुआ उसी को मानेगा ट्रस्टेड सोर्स, और जो नीचे वाला उसको छोड़ देगा। ठीक, ये दूसरा वे है कॉपी करने का। तीसरा वे है कॉपी करने का कि जिसका साइट तुम्हें कॉपी करना है, मान लो कोई न्यूज़ का साइट है, कोई बड़ा न्यूज नहीं, छोटा सा न्यूज़ वेबसाइट है, या फिर कोई आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट है, या फिर कोई कुछ कॉन्टेंट शेयर करता है हर दिन, ऐसा कोई साइट है, तुम क्या करो, पकड़ के रखो नज़र, मतलब दृष्टि रखो उसके ऊपर कि कब वो नया कॉन्टेंट डाल रहा है। जैसे ही कॉन्टेंट डाल रहा है संग संग तुम उसे कॉपी करो, संग संग वेबसाइट पब्लिश करो, और संग संग उसको रिक्वेस्ट कर दो गूगल को इंडेक्स करने के लिए। इसमें क्या होता है कि जो साइट पहले इंडेक्स होगा गूगल उसी को ट्रस्ट मानेगा और उसको पहले रख देगा। ठीक है, उसको पहले रख देगा। इसलिए देखोगे बहुत सारा प्लगइन आता है फीड यूआरएल वाला। वो प्लगइन क्या करता है कि तुम कई सारा वेबसाइट को सब्सक्राइब कर लोगे, वो क्या करेगा, कोई वेबसाइट जब भी कुछ कंटेंट डालेगा वो संग संग फीड जो है, जो प्लगइन है वो घिस के, वो प्लगइन क्या करेगा, घिस के जो है घिस के क्या करेगा, वो तुम्हारे साइट पे संग संग वो पब्लिक कर देगा, संग संग पब्लिक कर देगा। जिसकी वजह से क्या हुआ कि यार तुम्हारा बेनिफिट्स ये होगा कि उससे पहले तुम्हारा इंडेक्स हो जाएगा। ओरिजिनल जो सोर्स है साइट, ठीक है, मान लो कि कोई ओरिजिनल सोर्स साइट है, मान लो ये साइट है, वो और कुछ कंटेंट शेयर किया है, और उससे पहले ही तुम उसके कॉपी, जैसे वो इंडेक्स हो उससे पहले तुम कॉपी कर लिए, सन सन वेबसाइट में डाल दीजिए, और फिर जो है गूगल को रिक्वेस्ट कर दीजिए फोर्स इंडेक्स करने के लिए, क्या हुआ, तुम्हारा पहले इंडेक्स हो गया। अब गूगल की दृष्टि में जो पहले इंडेक्स होता है वही अथॉरिटी होता है। अब जो दूसरा साइट था, मतलब जो पहला साइट था, अब वो देखा कि अरे तो मेरा कंटेंट वो रैंक कर रहा है, तो डीएमसीए फाइल कर सकता है। ठीक है, डीएमसीए वो कॉपीराइट क्लेम फाइल कर सकता है, जो कि बहुत ही कम लोग करते हैं, बहुत ही रेयर है कि करे, कोई छोटा मोटा साइट होगा तो। हाँ, बड़ा साइट होगा तो डीएमसी कर सकता तुम्हारे ऊपर, लेकिन नॉर्मली जो है लोग नहीं करता है। ठीक है, ये तीसरा वे है तुम्हारा कॉपी करने का। ठीक, जो दूसरा वे जो तुम्हें बोल रहा था कि कंटेंट तुम्हें यार 40% ही कॉपी करना है, 60% तुम्हें यूनिक लिखना है, उसमें क्या करोगे, तुम इन्फोग्राफ डाल दो, वीडियो इमेज कर दो, क्या होगा, तुम्हारा कंटेंट का जो क्वालिटी है बढ़ जाएगा। डिजाइन फैक्टर भी होता है, अगर मान लो कि साइट ए है जिसका यूनिक कंटेंट है, सब कुछ होना उसी का है, लेकिन उसका डिजाइन सही है नहीं, यूजर इंटरफेस सही नहीं है, थीम सही नहीं है, लोग इंगेज नहीं कर पा रहे हैं, वही तुम उसी एक कंटेंट कॉपी करके अपने साइट में डाल रहे हो, थोड़ा बहुत वैल्यू ऐड कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा डिजाइन अच्छा है, तुम्हारा साइट जो इंगेज कर रहा है ऐसा डिजाइन बनाया हो, तो क्या होगा, तुम्हारा जल्दी रैंक करेगा कंपेयर टू उसका। क्यों? क्योंकि जो विजिटर है तुम्हारे साइट में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक, विजिटर जो है तुम्हारे साइट में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, जिसकी वजह से गूगल के पास आता है सिग्नल कि हाँ ये साइट में लोग इतना बार घूम रहे हैं, इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या खासियत है, वो प्रयास करता टॉप रहने का। ठीक है, ये पंगा है, इसीलिए हमेशा बोलता हूँ कि गूगल एलास्टिक यूज़ करना है, गूगल एलास्टिक यूज़ करना है तो उन लोगों साइट में, यार गूगल को पता चलता है कि हाँ इस साइट में कितना लोग है, कितना टाइम तो रहते हैं, कितना नहीं। ठीक, उसके बाद जो चौथा है जो कॉपी करने का तरीका है तुम्हारा, यार मैं तो फिर कदा बोल ही चुका हूँ, चौथा है यार तुम्हारा कुछ छेड़छाड़ करना सर्वर के साथ। ठीक है, हर सर्वर का एक टाइमिंग होता है यार, ठीक, हर सर्वर का एक टाइमिंग होता है, वो मुझे डिटेल्स में नहीं पता है, लेकिन ये है। ठीक है, सर्वर का टाइमिंग, तो मान लो कि कोई ए साइट है, ठीक, ए साइट है, कोई कंटेंट पब्लिक किया 12:30 पर, ठीक है, और वो रिक्वेस्ट किया गूगल को इंडेक्स करने के लिए। ठीक, अब गूगल तो संग संग इंडेक्स नहीं कर लेता, गूगल के पास बहुत सारा रहता है डाटा प्रोसेसिंग में, जब उसको मतलब क्या, वो सब पेंडिंग में रहता है, फिर वो आएगा, वो भी इंडेक्स होगा। ठीक, वहीं तुम जो है उसके बाद रिक्वेस्ट की हो इंडेक्स करने के लिए, लेकिन तुम अपने जो फाइल है उसका डेट चेंज कर दिया कि मेरा जो फाइल जो पब्लिक हुआ है वो हुआ है किसी और टाइम में। ठीक है, सुनो क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये बहुत मस्त बता रहा हूँ, ये बहुत तुम लोग कम जानकारी मिलेगा यूट्यूब पर, लोग बताते नहीं इसके बारे में। मान लो कि जो ओरिजिनल साइट है वो कोई कंटेंट को पब्लिक किया 12 बजे, उसका जो सर्वर का टाइम था 12 बजे रहा था, एग्जांपल दे रहा हूँ, और तुम क्या किए, तुमसे कंटेंट कॉपी किए अपने साइट में डाले, और तुम उसको रिक्वेस्ट कर दिए गूगल इंडेक्स करने के लिए। ठीक, गूगल को इंडेक्स करने के लिए रिक्वेस्ट कर दिए, और तुम क्या किए कि सर्वर में छेड़छाड़ करके तुम क्या किए कि अपना टाइम जो है कम कर दिए, तुम जो है 11:58 कर दिए। ठीक है, तो दोनों साइड गया गूगल के पास इंडेक्स करने के लिए, रिक्वेस्ट भेजने के लिए, तो गूगल क्या करेगा, जो देखिएगा कि जो पहले जो टाइमिंग था, जो पहला जो टाइमिंग था 11:58 का, उसको वो प्रायोरिटी देगा। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, जो 11:58 का जो था उसको ये प्रायोरिटी देगा ये। ठीक, हालांकि पहले वो किया था गूगल के पास, फिर तुम उसे कॉन्टेंट कॉपी किए, फिर तुम इंडेक्स किए, लेकिन गूगल के पास क्या है, संग संग इंडेक्स नहीं करता है, सबको रखता है पेंडिंग लिस्ट में, और ये बहुत सारा पेज। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा आधा घंटा 1 घंटा रहता है इंडेक्स होने में, ठीक, रिक्वेस्ट करने के बाद भी, तो उस टाइम क्या होता है कि ये ट्रिक काम करता है कि तुम्हारा जो है यार, अगर तुम सर्वर में टाइम छेड़छाड़ किए हो, टाइम तुम चेंज कर दिए हो, तो तुम्हारा जो इंडेक्स हो जाएगा संग संग, और वो वहाँ पर दिखा देगा कि हाँ ये अवस्था है।
ऐसे काम करता है सिस्टम। तुम खुद देखोगे कई बार यार, अभी तो साथ नहीं शो करता है कि तुम कुछ रिक्वेस्ट किए सर्च इंजन में, अस्सी में संग संग इंडेक्स हो गया 5-6 मिनट के अंदर। अब बता रहा है कि जो पेज है इंडेक्स हुआ या पब्लिक हुआ है एक दिन पहले, उस सर्वर का टाइमिंग वैसे दिखाता है। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी चीज़ है। ठीक, तो क्या कह रहा, जो जो मेन मेन पॉइंट है तुम्हारा, पहला जो है तुम किसी और कॉपी कर सकते हो कंटेंट, तुम्हारा अलग अलग कीवर्ड पर है तो, अलग कीवर्ड के ऊपर है तो। ठीक है, लेकिन सेम कीवर्ड पर है तो तुम उसे कॉपी करोगे इतना 40%, ज़्यादा नहीं कॉपी करना है, और उस पर वैल्यू ऐड करो। क्या करो, इन्फोग्राफ डालो, वीडियो एमिट करो। ठीक, सारे घड़ियाँ ऐसा करो कि उसको अच्छा लगे, इंगेज करे, और तुम्हारा उससे अच्छा रैंक करेगा। ठीक है, तीसरा क्या है, सर्वर में थोड़ा बहुत छेछा करना, सर्वर में छेछा करके जो तुम इसको कैम्प को इधर कर सकते हो। ठीक है, अब ये सब जो चीज़ है गूगल में ही काम करता है, गूगल में तुम कॉपी कर रहे हो इतने इतना परसेंट उतना परसेंट काम करेगा। लेकिन जो बिंग सर्च इंजन है उसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ है, बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ है। बिंग में क्या करता है, बिंग अलाउ ही नहीं करता तुम किसी कॉपी करके डालो डालोगे मैं इंडेक्स हो जाएगा, वो नहीं। बिंग जो है इतना स्ट्रांग है यार कि वो लेता ही नहीं। ठीक है, बिंग जो है वो लेता ही नहीं किसी का कॉपी कंटेंट, एक बार जो इंडेक्स हो गया वही सुप्रीम है, जो बाद में आया वो गधे में रहता है। ठीक, तो ये सब रहा यार, तो तुम लोग का आइडिया हो गया होगा कैसे कैसे काम करता है। हमसे याद रखना कि यार कॉपी कंटेंट भी रैंक होता है, बस तुम कैसा साइट बना रहे हो, कैसे लोग इंगेज कर रहा है मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। खासकर मैं उन लोगों को बोल देना चाहूँगा जो लोग शायरी में काम करने वाले, अगर तुम लोग शायरी वैसा में काम करने वाले हो, जो वैसा में काम करने वाले हो, तो याद रखना यार, ये मत सोचना कि जो मैं कंटेंट कॉपी करूँगा वो मेरा रैंक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो रैंक होगा, कॉपी कंटेंट भी रैंक होता है। बस तुम्हें साइट ऐसा बनाना है कि वो इंगेज करे, इंगेज मतलब तुम कंटेंट ऐसा बनाओ जो लोग बार 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 उसको खोले, बार बार घुसे, शेयर करे, उसको इंगेजमेंट बढ़े। ठीक, तो अच्छा डेवलपर को हायर करो और साइट कुछ ऐसा बनाओ जिससे यार इंगेज करे। मैं जल्दी कोर्स के अंदर डाल दूंगा एक थीम जोक्स को लेके, मैं 2 दिन के अंदर ही डाल दूंगा जोक्स के ऊपर, और ये शायरी के ऊपर अच्छा काम करेगा, लीरियस के ऊपर भी अच्छा काम करेगा, वो इंगेज करने वाला ही एक थीम बना रहा हूँ मैं, पहले से बना हुआ था, थोड़ा बहुत कोड मिसिंग था जो मैं नहीं डाल रहा था, वो मैं खुद के लिए यूज कर रहा था, अब मैं तुम लोग के लिए बना दिया हूँ, ये मैं 2 दिन के अंदर डाल दूंगा कोर्स के अंदर। ठीक है, तो गाइस ये सब रहा, होप करता तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दो, नहीं लगा डिसलाइक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। और तबीयत खराब था, सर्दी वर्दी पकड़ा हुआ था, इसलिए नहीं बना रहा था वीडियो, और मैं दवा खाता नहीं हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक हो जाएगा। और कुछ प्रॉब्लम है तुम लोग को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो व्हाट्सअप मैसेज करो, वहाँ पर मैं वॉइस में रिप्लाई देता हूँ, प्रयास करता हूँ सबको रिप्लाई देने का यार, थोड़ा डिले होता है लेकिन प्रयास करता हूँ रिप्लाई देने का, और हर दिन कम से कम 100-150 लोग से बात करता रहता हूँ यार व्हाट्सअप पर। ठीक है, बाय।